मैंने मिशन मजनू फिल्म देखी, तब मुझे लगा कि अगर अपने ऊपर लगे आरोपों को झुठलाने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए अमनदीप सिंह यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर पाकिस्तान चले जा सकते हैं, तो मैं इसी फिल्म का रिव्यू करने के लिए अपने घर के नज़दीक किसी पार्क में क्यों नहीं जा सकता। सो मैं चला आया हूँ। हालांकि ये सारे दावे झूठे हैं, असली वजह यह है कि कमरे में लग रही थी ठंड, तो मैंने सोचा कि थोड़ा धूप में चला जाए और फिर रिव्यू किया जाए। पार्क में तो आ चुका हूँ दोस्त, लेकिन जैसा कि आपको भी पता होगा कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम यह है कि पार्क में एकांत की जगह तलाश लेना, जो कि मैंने कर लिया। इससे पहले कि कोई हमारी एकांतता को भंग करे, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी तीन लोगों ने मिलकर लिखा है, परवीज शेख, असीम अरोरा और सुमित बथेजा ने। स्क्रीन प्ले और डायलॉग सुमित बथेजा ने ही लिखा है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शांतनु बाग्ची। हर रिव्यू की तरह इस फिल्म का रिव्यू भी मैंने 6 पॉइंट्स बना करके किया। फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म में अलग क्या है, फिल्म क्यों बनाई गई, फिल्म के सवाल क्या हैं, फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा, और अंत में हम बात करेंगे इस फिल्म को देखें कि ना देखें। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। आइए रिव्यू शुरू करते हैं। एक स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू, जो कि भारत और पाकिस्तान के कांटेदार संबंधों को नाटक का सहारा लेकर के प्रस्तुत कर रही है। हम रिव्यू की शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट कहानी से। इंडिया में पोखरण में परमाणु परीक्षण हो जाने के बाद पाकिस्तान की गुप्त जवाबी चालों के बारे में पता करने के लिए इंडिया से कुछ जासूस पाकिस्तान भेजे जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह पाकिस्तान में तारिक हुसैन के नाम से रहता है और वहां पर सिलाई बुनाई का काम करता है। जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि तारिक हुसैन को यानी अमनदीप सिंह को पाकिस्तान में नसरीन नामक एक अंधी लड़की से प्यार हो जाता है और वो प्यार अंततः शादी में बदल जाता है। अमनदीप सिंह के पाकिस्तान जाने की वजहों में एक वजह तो ये है ही कि वो इंडिया का सैनिक है। इसके बावजूद दूसरी वजह जो है वो ये कि उसके बाप के नाम पर इंडिया के प्रति गद्दारी का तमका लगा हुआ है। वो उसे मिटाना चाहता है कि मैं गद्दार का बेटा नहीं हूँ। तो अपने देश के प्रति कर्तव्य और अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा के बीच फंसा अमनदीप सिंह अक्सर एक दूसरे के लिए खतरा पैदा करता रहता है। बस यही है इस फिल्म की कहानी। इससे ज़्यादा कहानी यही है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये बात भी पता चलेगा कि वो देश के प्रति कर्तव्य निभा पाता है या नहीं, अपनी पत्नी के प्रति जो निष्ठा है वो निभा पाता है या नहीं। तो पूरी कहानी जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। आइए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अलग के नाम पर इस फिल्म में मुझे कुछ खास अलग लगा नहीं, क्योंकि पूरी फिल्म देखते समय जो फिल्म मुझे लगातार याद आ रही थी वो थी राजी। लेकिन अगर राजी की बात करें तो राजी की कहानी मिशन मजनू की कहानी से बहुत बेहतर थी। मिशन मजनू की प्रेम कहानी में मार्मिकता से अधिक दिखावा था, इसलिए जितने भी रोमांटिक सीन आते थे वो बहुत नीरस करते थे। हाँ, इसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्टिंग कर रहे थे। मिशन मजनू में इंडिया से पाकिस्तान में जासूस तो बहुत सारे भेज दिए गए, लेकिन उन जासूसों के बीच में पाकिस्तान में जो संबंध क्रिएट हुआ वो बहुत फार्मूलाबद्ध तरीके से था। मतलब वो बहुत बोर कर रहा था कि अब तुम बोलो, फिर हम बोलेंगे, फिर वो बोलेगा। वो कुछ क्रिएट नहीं हो रहा था उनके बीच में। कहने का मतलब है कि घटित होता नहीं लग रहा था, वो बहुत गढ़ा हुआ मालूम हो रहा था। अलग के नाम पर एक बात मुझे खास लगी कि यह फिल्म अंधे राष्ट्रवाद की तरफ नहीं झोंक देती है। मतलब एक सीन आता है जिसमें एक बुढ़िया कहती है कि इन अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान को भी भारत से अलग होने का दुख है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान दुश्मन है, मार डालो काट डालो ख़त्म कर दो पाकिस्तान को। और एक बात ये भी कि नसरीन यानी रश्मिका मंडाना टच से सच्चाई का जो पता कर लेती हैं। अब ये चाहे उनकी एक्टिंग की खूबी हो या कहानी में कुछ ऐसा लिखा गया हो, लेकिन ये मतलब मैंने कई सारी फिल्मों में देखा है कि अंधों का पात्र जो होता है वो बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें टच से सच्चाई को महसूस करती रश्मिका मंडाना, मतलब ये कमाल लगता है मुझे। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें फिल्म बनाई क्यों गई है, तो ये फिल्म उन वीर जवानों, उन वीर सैनिकों की सराहना करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए बनाई गई है जो गुमनाम अंडरकवर एजेंट का कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो जाते हैं। एक दूसरी बात भी जो फिल्म देखकर लगती है वो ये कि 1970 के दशक में भारत और पाकिस्तान के जो कमज़ोर संबंध थे उसको भी दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई है। बाकी सुनने में आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक्टिंग करने के लिए बनाई गई थी जो कि वो कर नहीं पाए। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सवाल की बात करें तो रमन सिंह, जो किरदार कुमुद मिश्रा निभा रहे थे, वो किरदार सालों से पाकिस्तान में एक मौलवी की भूमिका निभा रहा है,
जो कि जाहिर सी बात है नमाज भी पढ़ता होगा, लेकिन जब अपने साथियों से बात करता है तो वो भोलेनाथ की जय का नारा लगाता है। जब उस किरदार ने दोनों धर्मों को समझ लिया है तो उसमें कोई ओवरलैप क्यों नहीं है? ये बहुत कमज़ोर पॉइंट लगता है कि क्या रमन सिंह धर्म को भौगोलिक पहचान से अलग नहीं सीखा, जैसे अमनदीप सिंह नसरीन से शादी करके अपने रिश्ते में सीखता है। ये काफ़ी कमज़ोर कड़ी है इस फिल्म की। दूसरा सवाल जो कि बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि मान लो कि बाबर ने कभी गलती की ही हो तो क्या उसकी सज़ा आज के समय में जुम्मन नाई को दी जाए? फिल्म में ऐसा माना गया है कि अमनदीप का जो बाप था वो हिंदुस्तान के लिए गद्दार साबित हुआ था, तो क्या उसके गद्दारी की सज़ा उसको बेटे को मिलेगी जो कि लगातार उसको मिलती है, वो भुगतता है उससे? फिल्म देखेंगे तो ये बात आपको और गहराई से समझ में आएगी। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें अच्छा और बुरा की तो स्क्रीन प्ले के कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि विकिपीडिया के किसी पेज को शूट किया गया है, और वो पेज अगर हम पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो चरित्र था अमनदीप का, वो चरित्र लिखा बहुत बेहतर गया है, जो कि हमेशा अमन और शांति की बात करता है, लेकिन एक्टिंग में इन्होंने फिस कर दिया है। कुमुद मिश्रा, शारिब हाशमी, रश्मिका मंडाना, अश्वथ भट्ट, इन सब ने बेहतर काम किया है। मतलब जो काम इनको दिया गया था उस काम को इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से निभाया है। कैमरा और म्यूजिक ऐसे थे कि आप सोच लीजिए कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कि एक शॉट ऐसा था जो कि बहुत बेहतर लगा था, कोई शॉट मुझे ऐसा नहीं लगा, और ना ही म्यूजिक में कोई ऐसा म्यूजिक आया हो कि मुझे बहुत बेहतर लगा हो जो कि बताने लायक हो। पूरी फिल्म है तो अंडरकवर एजेंट के बारे में, लेकिन वो अंडरकवर एजेंट ऐसे काम कर रहे हैं जिसको देखकर ये लगता है कि अगर ऐसे ही काम करना है तो ये काम तो हमारे गांव का कोई दर्जी भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म हमारे समझ में ऐसा कुछ और नहीं जोड़ती जिसको देखकर लगे कि वाह सचमुच अंडरकवर एजेंट लोग काम कर रहे हैं। मतलब कुछ हल्का था। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये है कि स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स और बेहतर हो सकते थे जो कि नहीं हुए। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पर। इतनी सारी बातचीत करने के बाद आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि पूरी फिल्म बीत जाती है और कोई वाव मोमेंट नहीं आता है कि जिसको देखकर हम कहें कि क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी फिल्म बीत जाती है और लगता है कि हाँ चलो ठीक है ये भी देख लिया। अब अगर ऐसी कोई फिल्म आपको देखनी हो तो देख डालिए, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि अपने हिसाब से राय ले लीजिए। बाकी अगर रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।